जय जिनेंद्र, मैं शिवांगी आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आई बढ़ते अपने धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। खबर लुधियाना से है। यहां प्रत्येक महीने की तरह इस बार भी पूर्वजों दादियों बाबाओं के माथा टेकने की लड़ी जारी रही। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए माथा टेकने का कार्यक्रम सुबह 9 से 10 बजे तक हुआ। इस अवसर पर भक्तजन अपने परिवार सहित सादर आमंत्रित रहे। वह सभी ने परिवार सहित पधार कर दादी बाबा जी का गुणगान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आपको बता दें कि लकी ड्रॉ का कूपन 9 से 9:15 बजे तक ही निकाला गया। मैं आदर्श जैन महामंत्री जैन नाहर संघ वालों, मैं आज अशोक जैन, जसपाल जैन, लेड श्री सुदर्शन लाल जैन, सुदर्शन कुमार जैन जिन्हां दी परिवार की तरफों अज मत्था टेकया गया, मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिना। और ये दादी बाबियां दा साडा नाहर संघ वालों हर महीने का मत्था टेकन का जिहड़ा प्रोग्राम है ये साडा बड़ा सुचारू रूप में चल रहा है। और दादी बाबा जी का जो मत्था टकाएगा उन्होंने बहुत कुछ दादी बाबा जी देंगे ने। दादी बाबा की कृपा नाल सब कुछ मिलता अगर उन्होंने याद करते रहिए। इस करके अपने पूर्वजों जरूर याद करते रहना चाहिए और दादी बाबा जी का मत्था वध तो वध टिकाना चाहिए। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जहां देश भर में धूम देखने को मिल रही है, जगह जगह महापर्व की तैयारियां चल रही हैं, कहीं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं विशाल भंडारे का आयोजन। उसी लड़ी के तहत महादेव सेवा दल रजिस्टर लुधियाना की ओर से 15वां विशाल जागरण 21 फरवरी को बेहद धूमधाम से करवाया जा रहा है। इस मौके विशाल भंडारे का आयोजन भी है। समराला जिला लुधियाना हर हर महादेव दल वालों 15वां विशाल भगती जागरण भंडारा 21 तरीक नूं 21 फरवरी नूं चैलां विखे जिंदे विच पंजाब दे सूफी गायक गुरदास मान जी दे लाडले शकीर मनिंदर बोवी जी अते होर कई कलाकार इस भंडारे विच अते शिव दे विआह विच हिस्सा लैण आ रहे ने। भोले शंकर इन्हां दीआं झोलियां भरे अते मेहर करे। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। एक अहम सूचना। सरल मना उपप्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहिब जी के अत्यधिक अस्वस्थ होने से परम सेवा भावी श्री आलोक मुनि जी महाराज ठाणे 2 के सानिध्य में 23 फरवरी को सोलन में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आपसे विनती है कि आप सभी वीर प्रभु के चरणों में गुरुदेव श्री जी के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते रहे। लुधियाना के डॉक्टर एवीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। डॉक्टर एवीएम स्कूल लुधियाना च श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी दे विच सालाना इनाम वंड समारोह बहुत ही सत्कार नाल और श्रद्धा भाव नाल कराया जा रहा, क्योंकि साढ़े स्कूल की एक यह परंपरा रही है पिछले तकरीबन 27-28 साल तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी दे विच और गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव के संबंध में जिहड़ा प्रोग्राम हर साल धार्मिक प्रोग्राम करवाया जाता उहदे नाल ही स्कूल का सालाना नाम वंड समारोह भी कराया जाता। और जिहड़े साडे आउण वाले सैशन दे नवें बच्चियां ने बोर्ड दे एग्जाम देण जाना गुरु साहब तो आग्या लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब तो उन्हां ओट आसरा लैके उन्हां बच्चियां नूं भी आशीर्वाद मिलदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब तो गुरुआं की सारी आशीष बख्शिश जिहड़ी आ बच्चियां ते हुंदी आ। और मैं सारे बच्चियां नूं पेरेंट्स नूं टीचर्स नूं सारी मैनेजमेंट नूं अज दे इस मुबारक मौके की लख लख मुबारकबाद दिना और आस ते उम्मीद करदा जिदा पिछले 28-29 साल तो स्कूल की परंपरा तहत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी दे विच सालाना नाम वंड समारोह करवाया जाता अगे तो भी यह परंपरा इदी जारी रहेगी। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। बजट से असंतुष्ट किसान भाईचारों में बेहद रोष पाया जा रहा है। कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं नाभा में भी पंजाब सरकार के विरुद्ध रोष जताया गया व आगामी 24 फरवरी को विशाल रैली निकालने का ऐलान भी किया गया। बता दें कि किसान यूनियन राजेवाल के पंजाब प्रधान बलवीर सिंह एक धार्मिक समागम के दौरान नाभा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष करने का ऐलान करते हुए एक मोर्चा खोला। किसान यूनियन प्रधान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर कृषि को खत्म करने जा रही है, जिसके खिलाफ किसान जथेबंदियों और सहयोगी जथेबंदियों के साथ मिलकर 24 फरवरी को चंडीगढ़ में बड़ी रोष रैली निकाली जाएगी। याद विच सालाना जोड़ मेला इत्थे मनाया जा रहा नाभे दे विच और इहदे विच बहुत वड्डी गिणती संगत शामिल हुई है। मैं उन्हां नूं एक अपील कीती है, भगत धन्ना जी ने भी अकाल पुरख अगे जिहड़ी अरदास कीती उहदे विच उन्होंने किसानां दीआं आर्थिक मंगां दे उत्ते उन्हां दे आरते दे विच सारा कुछ दर्ज है।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CACP ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਪਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਸ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਰਾਜੇਸ਼ 50 ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस वैलेंटाइन डे पर कोलंबिया ने अमृतसर में अपने नवीनतम स्टोर खोलने के साथ वास्तविक रूप में शहर को गुलाबी बना दिया है। शहर के केंद्र में स्थित स्टोर ने अपने वैलेंटाइन के संग्रह को लॉन्च किया। स्टोर का उद्घाटन सिकंदर 2 की अभिनेत्री और मिसेस पंजाब की विजेता श्वेता सारंगल ने किया। यह शुरुआत एक बड़ी सफलता थी, इसने युवा फैशन की और अग्रसर लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। जी मैम, आज अपने आई एम रियली ग्लैड टू बी हेयर एक्चुअली। मुझे बहुत खुशी है यहाँ होके, और ये जो स्टफ इन्होंने यहाँ पे लाया है क्लोविया, मैं हमेशा देखते रहती थी कि हमारी इस सिटी में नहीं है अमृतसर में, सो यहाँ पे ये लाए हैं ये ब्रांड। और अब बहुत इजी रहेगा फॉर लेडीज, फॉर फीमेल्स, अदरवाइज हम ऑनलाइन ये सब स्टफ फाइंड करते रहते हैं, तो नाउ इट्स हेयर इन आर सिटी, सो आई एम रियली ग्लैड। आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी। I really wish them good luck for their future ahead. हां जी, एक बॉलीवुड मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ मे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जस्ट विश मी लक कि वो अच्छी जाए। अमृतसर इज माई ड्रीम्स आई वुड से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सपने देखे और बहुत सारे सपने पूरे भी किए। अमृतसर के बारे में क्या बोलूं, अमृतसर के बारे में क्या बोलूं, सब कुछ बेस्ट है यहाँ का, खाना पीना, दरबार साहब, एंड अभी क्लोविया भी है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? वैसे केन्या से हूँ बट हम चंडीगढ़ में रहते हैं। अच्छा। मैं पर्सनली टिकटॉक बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है टिकटॉक आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टिकटॉक बना के काफी लोग एक्टिंग सीख रहे हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि टिकटॉक स्टार्स को भी उतनी वैल्यू मिल रही है जितनी एक मेन स्ट्रीम एक्टर को मिलती है।
अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत लुधियाना की गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में खेलों का आगाज किया जा रहा है, जहां बेटियों को खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि JPL 2020 सीजन 3 का आगाज हो गया है। जीतो वर्किंग कमेटी मेंबर्स की तरफ से टूर्नामेंट को लेकर तमाम जानकारी हमसे साझा की गई। आइए सुनिए जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। जय जिनेंद्र, जीतो लुधियाना चैप्टर की तरफ से यूथ विंग द्वारा ये सीजन 3 टूर्नामेंट क्रिकेट का होने जा रहा है स्पोर्ट्स के इशू पे। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 23 को फाइनल होगा। इसमें हमारा टारगेट ये भी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ दोनों टारगेट को करने के लिए हमने कुछ चैरिटी मैचेस भी साथ में रखे हुए हैं। ये हमारा उद्देश्य बड़ा सीधा सा है जीतो का कि पूरे समाज में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स में भी बच्चों की तरफ हम उतना ही ध्यान देना चाहते हैं जितना हम लोग बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। तो इसलिए ये थर्ड सीजन 3 का तीसरा साल है हमारा ये लगातार जो हम टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। तो हमारे सभी शहरवासियों से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें पहुँचे। तो लुधियाना चैप्टर और जीतू यूथ विंग क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है 16 से 23 फरवरी गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ पे। ये यहाँ 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन मैचेस में एंड लीग स्टेज 16 से 20 तक चलेगा और 22 को क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स होंगे, 23 को फाइनल मैच होगा। 23 को सुबह चैरिटी मैच भी रखा गया है लेडीज़ का और पैटर्न मेंबर्स का। हमारा मेन जो पर्पस है ये ऑर्गेनाइज़ करने का क्रिकेट टूर्नामेंट सारे जैन यूथ को इकट्ठा करने का है, उनको सारे संप्रदाय के जैंस को इकट्ठा करने का है। वो सारे यहाँ पे इकट्ठे खेलते हैं, टीम्स में इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं एंड जो प्रोसीड्स इन मैचेस से आएंगे हमारे पास दे विल बी डोनेटेड फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट। हमारा ये डोनेशन का प्रोजेक्ट है, सारा मनी वहाँ पे हम डोनेट करेंगे। 23 को फाइनल पे सब जरूर पहुँचें। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर इंसान के दिल में देशभक्ति का जज्बा है तो वहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखा जाता और देशभक्ति न सिर्फ बॉर्डर पर जाकर दिखाई जाती है बल्कि हम देश के अंदर रहकर भी देशभक्ति कर सकते हैं। अपने शहीदों को हम किसी भी तरह याद कर सकते हैं। ऐसा ही एक युवक पठानकोट का है जो चलाता तो ऑटो है लेकिन देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी है। जहाँ पुलवामा आतंकी हमले के एक वर्ष पूरा होने पर पूरा देश शहीदों को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं ऑटो चालक ऑटो पर शहीदों के नाम का पोस्टर लगाकर लोगों को फ्री सफर करवा रहा था जिसके जज्बे को लोग भी सलाम कर रहे हैं। इसके बारे में युवक ने कहा कि जहां लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उन्हें शहीदों को याद करना चाहिए, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्री ऑटो सेवा मैं कर रहा हूं। भाई मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा नाम संदीप कुमार है ते अज दे दिन साढ़े जिहड़े 44 जवान पुलवामा हमले शहीद होए सीगे उन्होंने श्रद्धांजलि दे तौर पर अज आटो की फ्री सेवा लाई हुई है। तो मैं सारे नूं यही मैसेज देना चाहना कि अपने जिहड़े रीति रिवाजां नूं छड्ड के अपने सनातनी धर्म च दुबारा वापस आओ तां कि आने वाली पीढ़ी नूं भी कोई शिक्षा मिले। अज दे युवा जिहड़े है वह वैलेंटाइन डे मना रहे हैं फलाने ढेंगड़े मना रहे हैं पर अपने जिहड़े असली हीरो है गए हैं उन्होंने असं भुलते जा रहे हैं। ए उन्हों की याद में मैं ये सब कुछ कर रहा वा। कितनी सवारियां ढोई हैं भाई? हूँ तो मैं 80 से 90 तक सवारियां ढो चुके हैं। ये हर साल चलेगा? ये हर साल चलेगा जी। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। तो मैं कचहरी तो बस स्टैंड जाना सी ते मैं आटो का इंतजार कर रहा जी। तो मैं भाई साहब आटो वाले आके मेरे नेड़े खड़े हुए कहते भाई साहब भी अज का दिन जरा फ्री है। मैं क्या भी वो फ्री क्यों? मतलब वो कह रहे कि मेरे वालों अज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि है तो मैं अज सवेर 10 बजे तो लैके तो 5 बजे तक आटो चलाना तो पैसा किसी सवारी को नहीं देना है। महसूस किया गरीब बंदे वालों की एड्डी वड्डी सेवा लाई है? मैं कहना जी कि जिस तरह इस बंदे की सोच हैगी जो सारे इस तरह सोचेंगे तो जो सा देश जोड़ा वो अलग दिशा में जाएगा। मैं तो इस आटो चालक की बहुत ज़्यादा तारीफ करांगा कि ये वाकई है श्रद्धांजलि जिहड़ी है बड़ी नवे तरीके की श्रद्धांजलि हैगी है और अज दी पीढ़ी दे विच युवा जिहड़े ने इस चीज़ नूं देख रहे हैं कि भी वाकई शहीदां नूं युवा पीढ़ी जिहड़ी याद कर रही है और मैं बहुत बहुत इस मुंडे नूं आशीर्वाद देंगा
मैं इन्हू पैसे देने की कोशिश की पर मैंने मना करता कहना मैं। पठानकोट से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। लुधियाना के वीनस लेडी क्लब की तरफ से लोगों को फिटनेस से प्यार करने का संदेश देने के उद्देश्य से फिटनेस फॉर लव के थीम पर वैलेंटाइन डे 9 जिम के साथ सेलिब्रेट किया गया, जहां कई तरह के गेम्स भी खेले गए। इस मौके पर डॉक्टर टॉक भी करवाई गई, जिसमें डाइटिशियंस ने डाइट संबंधित लोगों को गाइड किया। वो सभी को हेल्थ से प्यार करने का संदेश दिया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं हरनीत सेठी, प्रेसिडेंट ऑफ वीनस लेडीज क्लब। आज हमने फिटनेस सेशन नाव के साथ सेलिब्रेट किया है, वैलेंटाइन स्पेशल फिटनेस फॉर लव। एज इट इज़ 220 फिटनेस ईयर, सो वी आर सेलिब्रेटिंग विथ नाव जिम। और आज हमने यहाँ पे बहुत सारे डांसेस कराए हैं, जिसमें नैनी और रफप्रीत ने ड्यूएट डांस किया है, संगीता कंबोज ने सिंगल परफॉर्मेंस दी है, और सरोज खान एकेडमी से आए थे जिन्होंने वैलेंटाइन स्पेशल डांस किया है। एंड वी हैड सम क्वेश्चन राउंड्स, और हमारे पास डॉक्टर टॉक भी था, डॉक्टर आशीष आहूजा एंड हरजोत कौर, जिन्होंने डाइटिशियन और वेट लॉस सर्जरी के ऊपर बताया है। एंड उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया, एवरीबॉडी एंजॉयड, देयर वाज क्वेश्चन राउंड एंड तंबोला। नियर अबाउट 3-4 पीपल पार्टिसिपेटेड, बाकी एवरीबॉडी इज एंजॉइंग द प्रोग्राम। हाँ जी, मेरा नाम हरिंदर है जी, तो अज नाव जिम मैं रन कर रहा इतने दुगरी लुधियाने के, अज वीनस क्लब ना साडा टाइअप सीगा कि वीनस क्लब दियां तकरीबन 50-70 लेडीज़ इतने आईया ने अज, तो वी आर फीलिंग प्रिविलेज कि अज असी उन्होंने कुछ हैल्थ एजुकेशन दे सके। तो साढ़े एक डांस टीचर ने मनसा मैम, वो अज उन्होंने डांस करवाया उन्होंने, तो साढ़े डाइटिशियन ने डॉक्टर अनु, उन्होंने डाइट दी टिप्स जड़िया उन्होंने हुण दे रहे ने उस टाइम। तो इदा कि हैल्थ जी है वो कोई मतलब लिमिटेड नहीं है कि वो कोई ओनली सिर्फ जो जिम च जाते उ कर सकते हैं, एवरीबडी नीड्स हैल्थ, ठीक है ना। सो हैल्थ जी है वो हर बंदे नू चाहिए कि जे वो आप नहीं फिट हैगा तो वो किसी होर नू अपनी फैमिली नू वधिया तरीके नाल पाल नहीं सकता। सो फिटनेस जी है मेरे हिसाब नाल मैंडेटरी है फॉर एवरीबडी। सो साडा तो नारा यही है कि एवरीबडी शुड बी फिट। जे वो कोई जिम नहीं भी आ सकते लोग तो वॉक करन, कोई घर च स्टेयर्स करन, साइकिल चलान, स्विमिंग करन, मतलब कुछ भी करन, बट जे आपां देश नू अगे लैके जाना तो फिटनेस जी है वो हर बंदे दी जरूरी है। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। लुधियाना वासियों को फैशन के मामले में कोई पिछाड़ नहीं सकता। फैशन का जलवा आज पलवेर सिल्क स्टोर एंड सारीज की तरफ से दिखाया गया, जहां रैम वॉक पर फैशन कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया। आई एम सोनिया चंदू, विनर ऑफ मिसेस कनाल, इंपीरियल मॉडल मिसेस इंडिया एंड मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक। आज हम बलबीर सिल्क स्टोर में आए हैं, यहाँ एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग जो है उसे रैंप पर लेकर आए हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है लेडीज़ के लिए। आई थिंक क्लोज, ज्वेलरी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आज हम यहाँ वेयर करके एक तरह का वैलेंटाइन डे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉली बत्रा फ्रॉम बलबीर सिल्क एंड साड़ी। आज हम यहाँ पर वैलेंटाइन डे पर स्पेशल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका थीम हमने रेड और ब्लैक का रखा है। और इसमें आज हम हमारी जो शो स्टॉपर है वो मिसेस करनाल है। हाय, दिस इज सुष्मिता, एंड आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम मॉडल टाउन में नेक्स्ट टू लियालपुर जसकीरत बत्रा जी के डिज़ाइंस के ऊपर एक फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे ऑन दिस ड्रेसेस एंड न्यू कलर्स आल्सो। लुधियाना से गगन की रिपोर्ट। खबर लुधियाना से है, यहाँ वेद निकेतन धाम भाजपा नगर में राष्ट्रीय निर्माण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चौहान की अध्यक्षता में खास बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके सनातन रक्षा मंच से कई हिंदू नेता शामिल हुए। इस मौके सुरेश चौहान ने कहा कि देश भर में इस्लामिक जिहाद से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना अति जरूरी है। मुस्लिम आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस्लामिक देश में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA और NRC के हो रहे विरोध से हिंदुओं को जागने की जरूरत है। आज मातृपितृ पूजन दिवस पर यहाँ लुधियाना में हूँ, हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर जो देश विरोधी जिहादियों के कब्जे में जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैंने लुधियाना के तमाम हिंदू शेरों के साथ अपने विचार को रखा, उनके भी विचार को सुना, और आज लुधियाना में हमने ये तय किया है कि हम सामान भी उसी से खरीदेंगे और रोज़गार भी उसी को देंगे जो
जो भारत माता की जय बोलेगा। और इस अभियान का शुभारंभ आज के उस दिन हो रहा है जिस दिन पुलवामा के शहीदों ने भारत माता की रक्षा के लिए प्राण दिए थे। इसका लिए मुझे आनंद है। मैं लुधियाना वासियों को, पंजाब के तमाम भाई बहनों को आश्वासन देता हूं कि आपके संघर्ष के साथ सुदर्शन हमेशा खड़ा रहे। आज हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य रहा कि लुधियाना की धरती पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल, जो पूरे देश के राष्ट्रवादी समाज में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का प्रयास कर रहा है, उनका लुधियाना की धरती पर आगमन हुआ और उनके बहुमूल्य विचार सुने, हमारा मार्गदर्शन हुआ। जो विचार लेके वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चल रहे हैं, हम सबको उनको आत्मसात करते हुए इस जन जागरण मुहिम में तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे MLA हैं, काउंसलर हैं, सांसद हैं, उन सभी को मजबूर करना चाहिए कि जब भी संसद में ये बिल आए वो लोगों की भावना को समझते हुए इस बिल का समर्थन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट आने वाले समय में हमारे देश को बहुत खतरनाक स्थिति में ले जाएगा। इसको बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो परम पूजनीय आसाराम बापू जी ने एक अभियान शुरू किया था मातृ पितृ पूजन दिवस, आज जो हमारे युवा विदेशी संस्कृति के प्रभाव तहत उन मूल्यों को अपना रहे हैं जो हमारी संस्कृति के साथ मेल नहीं खाते, हमें अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए अपने माता पिता का पूजन हर बार 14 फरवरी को करना चाहिए। और जो हमारे देश में श्रवण कुमार की सेवा का एक संकल्प पूरी दुनिया में सुनाया जाता है, हम लोगों की भी उस मार्ग पर चलते हुए श्रवण कुमार जैसा बेटा। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहे आत्माचरण के साथ। जय जिनेंद्र।